चेंज किया, महिला एवं पुरुष पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ। रजिस्ट्रेशन तो चेंज नहीं हो सकता था, तो टैगलाइन चेंज करते हैं मामला की उस तो इसका ज्यादातर अगर देखा जाए महिलाओं का ज्यादा वो भाई वह आप ऐसा बात मत खुलवाइए मुंह से हमारे उसका ही बस होता है। जैसे अब तीन बच्चा तो मुफ्त में जेल चला गया तो उसे निकालने का काम कौन करेगा। हमने उस लड़की को समझाया है कि बेटा तू तो बाहर है क्यों इस तरह। संरक्षक महिला विकास मंच, महिला विकास मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज से 10-15 साल पहले 12 साल पहले की एक स्टोरी रही है किन्हीं की, और एक छोटे से समूह से स्टार्ट हुआ कि भाई महिलाएं जो घरेलू हिंसा में घर में मार खाती थी कुटाई खाती थी तो उसे बचाने का काम चार महिलाओं ने मिल के इस पड़ोसी को बचाना शुरू किया। फिर पड़ोसी भी मिल गए, जो बचे वो मिल गए, मिलके फिर 40 हो गए, 40 से फिर मोहल्ले, मोहल्ले से फिर ये आज जितनी भी महिलाएं मैक्सिमम महिलाएं हमारे पास जो हैं, हम ये कहेंगे 80% महिलाएं ले लीजिए, नहीं 90% महिलाएं हमारी जो भी पूरे देश के 9-8 राज्यों में महिला विकास मंच है, लेकिन उसमें 90% महिलाएं हमारी ऐसी हैं जो दिस वे और दैट वे कहीं ना कहीं से प्रताड़ित थी और आज वो बहुत खूबसूरती से समाज के लिए कुछ कार्य कर रही हैं। तो ये एक मुहिम शुरू किया था हमने घरेलू हिंसा प्रताड़ना रेप, लेकिन जब हम शुरू किए थे उस समय हमारा जो ज़माना था उस समय पुरुष कम प्रताड़ित होते थे, लेकिन जब अभी इधर आए पिछले गत 5 सालों में हम देख रहे हैं कि पुरुषों की भी प्रताड़ना की संख्या बढ़ गई है। झूठे रेप केस के मामले, झूठा केसेस, ब्लैकमेलिंग, लड़का डर रहा है, परिवार 10-20 लाख देके सेटलमेंट करा रहा है। तो ये तब हमने अपने टैगलाइन को चेंज किया, महिला एवं पुरुष पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ। रजिस्ट्रेशन तो चेंज नहीं हो सकता था, तो टैगलाइन चेंज किया। उसी मुहिम के दरमियान आज दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में रितु जो है अध्यक्ष बनी है दक्षिणी दिल्ली की, और उस कार्यक्रम में हमारी प्यारी पूनम पंडित जी भी आई, हमेशा सपोर्ट रहा। हम एक परिवार हैं, मतलब एक फैमिली है हम लोग, तो बस इसी के सिलसिले में हमारा आना हुआ। ये जो आपका संगठन है ये पुरुषों के लिए भी काम? हाँ हाँ, पुरुषों के लिए भी हम ही काम करते हैं और कोई नहीं करता भैया। जिस मामला की अगर बात किया जाए, अगर बात करते हैं मामला की उस तो इसका ज्यादातर अगर देखा जाए महिलाओं का ज्यादा वो भाई वह आप ऐसा बात मत खुलवाइए मुंह से हमारे उसका ही बस होता है। जैसे आप महिलाओं की बात शुरुआत में की, हाँ। तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ महिलाएं उससे प्रताड़ित है कि पुरुष? नहीं नहीं, महिलाएं ही क्यों प्रताड़ित है, पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। अभी देखिए नौजवान, अभी मैं वैशाली में 16 साल की लड़की का रेप केस का मामला आया, कल की बात मैं बता रही हूँ। मैं वैशाली थाने पहुंची और उसका चार्जशीट मैंने इतना हाई तो 9 तारीख को मच गया, और बाद में पता चला CDR रिपोर्ट जब लड़की का निकल रहा है तो पता चल रहा है किडनैप हो गया, किडनैप करके अज्ञात लोगों ने रेप कर दिया, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। वो लड़की ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड था, दोस्तों के साथ भागी थी, नहीं हुआ तो स्टोरी क्रिएट करके शादी नहीं किया तो फंसा दिया। तो ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो उनका भी तो अब तीन बच्चा तो मुफ्त में जेल चला गया तो उसे निकालने का काम कौन करेगा। हमने उस लड़की को समझाया है कि बेटा तू तो बाहर है क्यों इस तरह झूठा केस किया, तो मानेगी निकल गए तो हमारा सौभाग्य। राजधानी से लेके आप पूरे भारत की राजधानी में आज दिल्ली में बैठी हुई है, दिल्ली में शपथ ग्रहण है और दिल्ली तक आने का जो सफर रहा, क्या आपने कभी सोचा था? भाई देखिए महिला है हम, और इतना लंबा सफर में तो ऐसा नहीं, समाज ने तो डेफिनेटली मुझे कुचलने का काम किया होगा, डेफिनेटली पटक पटक के गालियां देने का काम किया होगा कि भाई किसी तरह ये लेडी आगे बढ़े ना। हमारा समाज का एक है जहाँ कुछ लोग अच्छे हैं तो बुरे लोग भी समाज में है ना, तो बुरे लोग बुरा काम करते रहते हैं, वैसे कर्मठ लोगों के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। देश नहीं विदेशों में पहुंच चुके, बिल्कुल हमारी दुबई में अध्यक्ष, हमारी दिल्ली तक सोचा था, देश नहीं विदेश तक।